बड़ी कमीज है। अल्लाह पाक की शान देखें कि ये मेरे रब की शान है कि अब जो है ना धूप निकल आई है। हम सब लोग मिलकर एक साथ तकसीम करेंगे, दो आगे दो माशाल्लाह, एक साथ सबको बांटने के बाद अब तासलों में लेके जा रहे। मैं आपके साथ लकड़ी डला के तंदूर जला दूं? ये नेकी का काम और कुछ आ जाना। इतनी बारिश तेज हो रही है ना, बहुत ज्यादा। हफ्सा जो है ना तौलिया ओढ़ के बाहर ना, फिर नहाने का क्या फायदा हफ्सा, सर्दी लग रही है, तो फिर अंदर बैठ जाओ। और बिजली इतनी जोर से चमक रही है और बादल गरजे है ना बाजी, और मैं हम लोग अंदर, यम्मा लोगों की वो है ना मशीन वाला जो कमरा स्टोर छोटा सा, उसमें हम लोग जो है ना छुपे हैं। आयत भी साथ में है, मैं और बाजी हम ना नलके पे आए गए हुए थे, अपना काम कर रहे थे, और फिर भाग के डर के मारे हम लोग इधर खड़े हुए। बारिश हल्की होगी तो इसकी गरज हल्की होगी, फिर हम बाहर जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद। इतनी ज़ोर के बादल गरजते हैं ना, बहुत ज़्यादा। अब सब अंदर चली जाओ मामी के घर, शाबाश, बहुत ज़ोर से बादल गरज रहे हैं। और ये देखें आज जो है ना सुबह स्कूल टाइम से भी पहले हो गई थी, बच्चे तैयार हो तो गए थे, लेकिन भाईजान ने बोला है कि 80% बारिश है, तो मैंने फिर ना भेजा नहीं। मैंने कहा मेरे बच्चों को ना फिर दूर जाना होता है, तो मैंने बच्चों को भेजा नहीं है। यार मुर्गियों को देखें, उनको भी अब खौफ आ रहा है, वो भी सूंघड़ी हुई है दरख्त के नीचे, वहाँ पर जा रही हैं, जो जहाँ पर दूसरी मुर्गियाँ हैं ना ये भी उधर ही जा रही हैं। मुझे ऐसे कपड़े पहना जैसे आपने पहने हुए, ये वाले कपड़े नहीं पहन रही, वो उधर खड़ी हुई है, ये सब हंसते हैं, उसको गुस्सा आता है। आया था जो पहन लो, आजो 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 आजो, ताइबा आप बनाओ आयत को, पहन लो कपड़े, पहन लो, बोलो पहन लो, बोलो नहीं बोल रहे। ये जो बारिश आ रही है, हमारा पेपर था, ये सही है क्योंकि आज इनका पेपर भी था, लेकिन इन्होंने तैयारी कर ली थी और बहुत जोर से बारिश आना शुरू हो गई। भाई जान मुझे कह रहे थे कि 80% बारिश है, मिस्त्री भाई आ गए, मिस्त्री नहीं है वो, इसीलिए भाई साहब जा रहे हैं अपने बच्चे का दूध लेके, तो इसीलिए यहाँ से आवाज आई है। ये आयत को देख के फिर उसको चीट आ जाएगी, उसको उसको देखते उसको गुस्सा आती है। ये कह रही थी असल में फांसी इसलिए आती है कि इतनी बड़ी कमीज है, बारिश इतनी तेज होगी, अभी जो है ना बिल्कुल हल्की हो चुकी है, अभी इतनी तेज नहीं है, अभी बिल्कुल रुक चुकी है। जब हमारे स्कूल का टाइम था तब अल्लाह ने बारिश दे दी, क्योंकि हमारा आज पेपर था, मैं तो मम्मी को बोलती रही कि बारिश में चले जाए, लेकिन बिजली जो है ना इतनी गरज रही थी, बहुत ज्यादा नाश्ता मैंने अम्मी के घर बनाया था, बादल तो पहले अजान के टाइम से ही मना रही है, उसको बादल जो है चमक रहे थे, वो गरज रहे थे बच्चों को, फिर मैंने मदरसे भेज दिया। हफ्सा जाने यूनिफॉर्म पहन के चली गई थी, फिर नाश्ता किया, रिक्शे वाला भाई आ ही गया था, तो बारिश शुरू हो गई। जैनब स्कूल चली गई थी, फिर उसके बाद बारिश आई है, स्कूल नजदीक है ना, हाँ, और वो भी और लाडो खाला का बेटा भी भाई वो भी चले गए थे, ये लोग जाते हैं ना दूर, तो इसलिए उस दिन भी इनको ना बहुत ज्यादा शैतानियां नहीं, फिर आज जो बारिश हुई ना कुछ अजीब सी, मतलब ये है कि गरज रही थी, गरज चमक के साथ हुई है, अभी भी आज सारा दिन है लेकिन थोड़ी सी कम हो गई है बारिश, अब भी फिर से शुरू हो गई। अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक आज मुस्तफा भी स्कूल नहीं गया ऐसे जी, यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, वहाँ पर तो गेट ही नहीं है, गेट नहीं, ऊपर जगह हर तरफ से बारिश आ रही है, तो आज भी काम है। आज जो है ना इनको मैंने नहाने नहीं दिया, फिर भी इनके कपड़े हल्के फुल्के गीले हो गए हैं, तो ये कहती आयत आज वैसे भी लाइट नहीं है, मैं तो कहती हूँ बारिश में नहा के और उसके बाद जो है ना वो कर लेना, तो नहा लेंगे ना बारिश में। हाँ जी, तो वो अभी बारिश फिर से तेज हो गई आज का, मैंने बोला अब बस मैंने आज सोचा था कि सामान जो है ना इधर सारा माशाल्लाह शिफ्ट करेंगे रखूंगी, तो बस जो अल्लाह को मंजूर वही होता है, क्योंकि मैंने कहा कि वो खिड़की में
मुस्तफा इसकी ठक-ठक मेरे दिमाग में लगती है, दिमाग में पता क्यों लगती है, ये है ना खुला कमरा खाली, इसमें आवाज डबल आती है, डबल आवाज आती है। ये गेम बहुत ज्यादा निकली हुई है, मुझे खेल के दिखाओ, खेलो। ओए दिमाग में लगती है, बहुत मजे का खेल है। हां हां है तो ये ना सामान शिफ्ट सारा कर लूंगी, लेकिन कल भी जो है थोड़ी सी बस यही होता है घर के काम में बंदा मसरूफ रहता है आज। जब मैं आज के मुंह में देखती हूँ मुझे बहुत हंसी आ जाती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज मेरे बच्चे भी मुस्कुराहट है, मेरे बच्चों के चेहरे पे भी और मेरे भी। वरना बारिश आती थी हम लोग कभी अम्मी के घर कभी बाजी के घर, वैसे हमें डर लगे खौफ है तो वो एक अलग बात है, अल्लाह पाक ने इच्छा दे दी हम आराम से बैठ सकते हैं। वरना हम लोग टेंट में होते थे ना कितने ज़्यादा खौफ ज़्यादा और परेशान होती थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। खिड़की का शीशा, मुस्तफ़ा और ताइबा तो हमारे पास ही हैं, सब हो जाएगा इंशाल्लाह। ये है कि ये दीवार है, ये छत भी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी होगी काफ़ी। अम्मी यहाँ पर ना मैं अपने कपड़े वगैरह रखूँगी, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर रखूंगी साइन के, यहाँ पर रखूंगी आयत के, और वहाँ पर रखूंगी अपने। इतने सारे कपड़े आ गए आपके, इतने सारे रखोगे? नहीं जितने भी हैं थोड़े थोड़े हैं बस, रख लेंगे यहाँ साइन की आयत के। भाइयों का जो है सामान भी अभी इधर ही रखा है, क्योंकि वो किचन का जो है ना वो अभी तक फिर से रुक गया है क्योंकि बारिश होना होगी, और जो है ना आज तो खैर जुम्मा भी है ना तो इसलिए छुट्टी। सब बहन भाई को जुम्मतुल मुबारक, और इस शरह में अपने जो है ना सामान वगैरह रखें। क्या मुल्तान तो नजर भी नहीं आ रहा? हाँ मुल्तान कैसे नजर आएगा, मुल्तान का जड़ तो यहाँ आ गया। हाँ वो सुबह सुबह मुल्तान वाली साइड पे ना बादल बहुत ज्यादा थे ना, तो इसलिए कह रहे हैं मुल्तान वाला बादल इधर आ गया। और फिर से दोबारा से बारिश शुरू हो गई, अब आ नहीं जा, थक दे दो मुस्तफा दे दो बेटा। आज जो आयत आज है बस इतना गुस्सा काफी है। आयत मेरी बहन आज चलो शुक्र है किसी न किसी तरह से राजी तो हो गई है। इसने पहने ये वाले कैरी, 14 अगस्त वाले मुझे पहनाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है कह रही है, अब इसके साथ ये मैचिंग इसने की है। ताइबा ने बोला पप्पा मुझे वो वाले पहनने, तो ताइबा को वो पहना दिए जो मैंने आयत के लिए निकाले थे। ध्यान से ये दोनों सारा दिन इनकी फरमाइशें नहीं ख़त्म हो रही। आप कहाँ जा रही हो, नानी के घर? ताइबा आप कहाँ जा रही हो, आप भी नानी के घर जा रही हो? ये तो दोबारा से सारा ख़राब होता जा रहा है, क्या होगा ये देखो। चलो 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 आराम से चलो, मेरी उंगली पकड़ो आ जाओ जी। तो माशाल्लाह से अभी हो गया है जुमा नमाज का टाइम, और माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान देखें, सुबह ऐसी बारिश हुई है ना, बहुत शदीद बारिश हुई है, फुल स्पीड में, सही कह रही हैं। और जो गरज चमक थी वो कितनी ज़ोर की थी। तो अब जो है ना माशाल्लाह से जैसे जुमा नमाज का टाइम हुआ है तो अल्लाह पाक की शान देखें कि ये मेरे रब की शान है कि अब जो है ना धूप निकल आई है। अल्लाह पाक ने ये मौका दिया है हम सबको कि आप जो है ना इस इबादत करें, सुकून से पढ़ सकें। तो सब माशाल्लाह से यहाँ पे जो है ना तैयारी अपनी अपनी कर रहे हैं। ताइबा जो है ना नलके पे आज नहा रही है, मोटर जो है ना वो ख़राब हो गई बारिश में, बारिश का पानी उसमें चला गया। ताइबा कह रही है मेरी शैम्पू करो, मुझे ना जुम्मा पढ़ना, जुम्मे वाले कपड़े पहनाओ। तो माशाल्लाह हवा ठंडी ठंडी चल रही है और सब अपने इंतज़ार में बैठे हुए अपनी अपनी, लेकिन आज जो है ना मैंने जल्दी तैयारी कर ली है। तो माशाल्लाह आज अम्मी के घर अभी पहुंच चुकी हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि इनकी जुम्मे की तैयारी सबकी। बिस्मा ने भी आज जुम्मे नमाज की तैयारी पहले ही कर ली है, लेट हो गई थी, हम लोगों ने ना लाइन लगाई हुई थी, जैसे वो रास्ते में नहीं बस जाती इसी तरह से हमारी लाइन लगी हुई थी, नंबर लगा लिया है आज अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ आज बड़ी फूफा, आज सारी बड़ी बड़ी सारी बैठी हुई है, पिछले फूफा भी इस टाइम तस्वीर पाड़ रही थी, ये भी बैठी हुई है, ये फूफो भी बैठी हुई है, मेरी फूफो नहीं बिस्मा की फूफो, और आज सबसे बड़ी हमारे खराब है। क्या हुआ, दोबारा शैम्पू करनी है? दोबारा शैम्पू कर, अल्लाह कितनी शैम्पू करोगी, सुबह
कह रही है थोड़ी सी दे दो थोड़ी सी लगाओगी। वो बड़ी फूफो के पास है बोरी, वो उसके पास से ले आओ जाओ। ताइबा ताइबा बड़ी फूफो के पास है बोरी, वो शैम्पू है। आज सबसे बड़ी बात, आज मेरी अम्मी ने नहीं तैयारी की है। मैं नलका चलाती इधर खराब है, इधर ही बाहर ही जो है ना नहा ले, पानी भर के दे दू बाल्टी। मोटर ने ना तो आज ना धोखा दे दिया है, वो ना पानी चला गया उसमें, वो लेके जा रही शैम्पू। अम्मा कह रही पागल है। तो यहाँ पे जो है ना मोटर में पानी चला गया था, इसीलिए जो है ना आज बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है हम लोगों सबको। और यहाँ पे आसे भाई आज आपने नहीं जाना है क्या, काम कर रहे हैं? अच्छा जी माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह, दो देगों पे दम आ चुका है और ये एक देग जो है ना ये रही। तो अल्लाह पाक सबको सलामत रखे जिनकी तरफ से होती है ये खाने का इंतज़ाम। ये देखिए माशाल्लाह, आप कभी चूल्हे का मुंह किधर करते हैं, कभी किधर करते हैं। जब अच्छा मेरे भी यही होता है, जब मैं आती हूँ कभी दम आया हुआ होता है और कभी आपने पानी लगाया हुआ होता है। पूरी रेसिपी कभी नहीं दिखा सकी मैं आपके, जब जो जैसे आप चावल बनाते हैं। चले खैर, किसी दिन फिर इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो रेसिपी ना आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारे देग वाले भाई ये बीफ वाले पुलाव कैसे बनाते हैं। अच्छा जहाँ जैसे जैसे हवा का रुख होता है ना, ये वैसे चूल्हा उधर ही फेर लेते हैं, यही बात है ना। आज वरना इस साइड पर था, आज इस साइड पर कर लिया है। अब ये नहा चुकी है, अब वजू कर रही, देखो कुली कर रही है। ये देखो पहले आप पी रही हो, वजू करो, वजू सही से वजू करो, जैसे कर फुप्पो करती है। हाँ शाबाश शाबाश, बस अब मैं, अब इसको पता है कि फुप्पो आ गया। कितनी कुलियां करोगी? नहीं ये आपको देख के रुक गई है। हाँ वरना ये माशाल्लाह जैसे हमें देखती है। लंगर भी तकसीम हो रहा है, साथ साथ दुआएं भी मांगी जा रही है, घर सब दुआ मंगवा रहे हैं और यहाँ पे सब के लिए लंगर डाल के रख रहे हैं प्लेटों में। उसके बाद फिर एक साथ तकसीम करना शुरू करेंगे, दुआ में अल्लाह कबूल करे। हम सब लोग मिल के एक साथ तकसीम करेंगे, दो आगे दो, एक साथ मिल के देते हैं आगे, इतना जल्दी बन जाएंगे आराम से। मौसम का कोई पता नहीं है, एक मिनट में भी बारिश आने का उनकी इम्कान है। माशाल्लाह एक साथ सबको बांटने के बाद अब तासलों में लेके जा रहे हैं, जिसको ज़रूरत होंगे उसके मुताबिक उसको दे देंगे माशाल्लाह। सब माशाल्लाह काफ़ी रश है, इधर बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं और इधर सारे जुम्मा नमाज के बाद फौरन सब लोग बैठ के आराम से खाना खा रहे। मैं आपके साथ लकड़ी डला के तंदूर जला दूँ, ये नेकी का काम और पूछ रोटी भी फिर बना देता हूँ आप। रोटी बना लूंगी, सिर्फ तंदूर जलाना ये लगे। नहीं, मैं जो मैं जला लूंगा तो रोटी भी बना के आपको दे दूंगा, आप आराम से सिर्फ सालन बनाओ उधर, ठीक है? अभी जो है ना असर की अजान हुई है, तो मैंने कहा जल्दी से जो है ना भाभी लोग भी आटा गूंद रहे, मैंने भी आटा गूंद के रखा है, तो जल्दी असर की नमाज पढ़ के जैसे मैं बाहर यहाँ से अभी भी आ रहे हैं सब पीछे मेरे लोग, मैं भी मुल्तान वाली साइड है, बादल भी बहुत गहरे आ रहे हैं, तो हमने कहा चलो तंदूर पे ना रोटी जल्दी से लगा लेंगे, तो इसलिए मैं तंदूर जो है ना जला रही हूँ। जैसे मैं नमाज पढ़ के आया हूँ ना, तो इसको देखा ये लकड़ी लेके आ रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ी इसकी हेल्प कर दूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ रुक गया, वरना मुझे पता
मैं खुद जला भी लेता, आपको रोटी भी बना देता, इसमें कौन सी बड़ी बात। हाँ कोई बात नहीं, रोटी भी बना दे, चलो मैं फिर आज जो है ना सुकून जाके कर लेती, बैठ जाती हूँ। वो पीछे वो खेलने के लिए आए हुए, थोड़ा मैं वहाँ उनके साथ जाता हूँ थोड़ा, क्योंकि आप भी खेले जाके एक्सरसाइज हो जाएगी इससे, थोड़ा ये है कि सांस जैसे फूलती है वो थोड़ा अच्छी बात है। मैं तो आपको यही रोज का कहती हूँ कि आप वॉक क्या करें, कोशिश करें चलने की। आप खुद ही कहते हैं कि मेरे जो है ना दर्द जो है ना भर जाता है कमर में, तो इसीलिए फिर मैं चुप हो जाती हूँ, मैं फिर नहीं बोलती आपको। जल्दी से बनाए फिर, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा बारिश का। जल्दी से बनाओ। तो बस इस वीडियो का यहीं पे करते हैं, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।